नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज मैं गणित के एक ऐसे मैजिक ट्रिक को लेकर आया हूं जिसके माध्यम से मैं आपका जन्म वर्ष बता दूंगा। जी हां दोस्तों, कुछ लोग इस प्रकार के बस शुरुआत को पढ़े और बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं बता पाएगा। भैया आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ आएगा और 100% मैं आपका जन्म वर्ष बता सकता हूं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपने मुझे कुछ नहीं बताया और मैं आपका जन्म वर्ष बता दूंगा। याद रखिए, मैं कोई जादू नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैंने बोला है कि गणित का ये जादू एक प्रकार का। यदि आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हो तो निश्चित रूप से बच्चे को ये जादू जैसा ही लगेगा और बच्चे को बड़ा आनंद आएगा। और मैंने पहले ही बता रखा है कि इस प्रकार के ट्रिक मैं इसलिए लाता हूं ताकि जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो और यदि बच्चे को गणित कठिन लगता है तो इस प्रकार के ट्रिक को आप अपनाओ तो बच्चे भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और बच्चे को पता भी नहीं चल पाएगा कि आपने खेल खेल में ही उनसे जोड़ना घटाना गुना और भाग करवा लिया। तो सोचो कितना अच्छा है कि हम बच्चे को खेल ही खेल में इंटरेस्टिंग तरीके से और बड़े ही आनंद पूर्वक बच्चे को हम गणित में क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी करवा रहे हैं और बच्चे को पता नहीं चल पा रहा है। उसी प्रकार मैं आप लोगों से कुछ एक्टिविटी कराता हूं। याद रखिए, आपके एक्टिविटी के आधार पर ही मैं आपका जन्म वर्ष भी बता पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इनसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ये वाला, ठीक है। और इस वीडियो में मेरे पास इतने कमेंट आते हैं ना, इतना ज्यादा कमेंट आता है कि मैं इसका जवाब नहीं दे पाता हूं। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के जस्ट ऊपर में देखिए, आपको एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक को क्लिक कीजिए और उस वीडियो को पूरा देखिए। और बताए गए प्रक्रिया के आधार पर यदि आप कोई संख्या मुझे भेजते हो तो निश्चित रूप से मैं आपका जन्म तिथि, जी हाँ दोस्तों, जन्म तिथि मतलब आपका जन्म जो है कौन से माह में और कौन से तिथि को हुआ था, वो मैं बता पाता हूं एक गणित के ट्रिक के माध्यम से। तो उसी प्रकार कई लोग मुझे कमेंट करते हैं, सर आप जन्म तिथि तो एकदम परफेक्ट बताते हो, तो आप कोई ऐसा ट्रिक लेकर आओ जिससे आप जन्म वर्ष को बता पाओ। ध्यान दीजिए, मैं आपके जन्म वर्ष को गणित के ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। कई लोग बोलते हैं कि आप हमारा जन्म वर्ष बताओ, बस कमेंट कर दिए, तो मैं ऐसे कैसे बता पाऊंगा। भैया मैंने जो प्रक्रिया बताया है ना, उस प्रक्रिया को आप क्या करो, फॉलो करो, उसके बाद कोई डिजिट भेजो, उसके बाद ही मैं आपका जन्म वर्ष बता पाऊंगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको जन्म वर्ष बताने वाला हूं। दोस्तों जन्म तिथि कैसे निकालें, मतलब मैं किसी भी व्यक्ति का जन्म तिथि कैसे बता पाता हूं, उस वीडियो को आप लोग देखिए तो आपको बहुत मजा आएगा। और आज का वीडियो जो है उसका सेकंड पार्ट है कहा जाए, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका जन्म किस वर्ष में हुआ है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो आइए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अभी जितना वर्ष चल रहा है, उदाहरण के लिए मैं ये सोचता हूं कि मान जाए किसी व्यक्ति का जो उम्र है अभी 26 साल है। याद रखिए इस प्रक्रिया को आपको भी करना है। जैसे किसी व्यक्ति का उम्र 26 साल है, देखिए मुझे आप ये कुछ भी नहीं बताने वाले हो ना। कई लोग बोलते हैं कि सर आपको पता, मुझे कुछ भी नहीं पता है, आपको मैं क्या मांगूंगा, है ना। देखिए मैं आपको कौन सा संख्या भेजने के लिए बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। जैसे आपका जो अभी उम्र है वो 26 साल है, तो आपको इसमें अगले वर्ष आपको कितना साल चलेगा उसको जोड़ना है। जैसे इस साल 26 साल है वर्तमान आयु, तो आपको इसमें जोड़ना है 27, और ये मुझे आपको नहीं बताना है, तो मैं कैसे जानूंगा भैया, है ना। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने पर ही कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 53, ठीक है। तो क्या 26 और 27 को जोड़ने पर ही 53 आता है, नहीं, और भी बहुत सारे संख्या है जिनको जोड़ने पर हमको 53 प्राप्त होता है। और इन्हीं संख्या को आपको क्या करना है, संख्या आ जाने के बाद ये देखो इनको आपको 5 से गुना करना है। इस प्रक्रिया को आपको करना है और मुझे कमेंट करना है तो मैं आपका जन्म वर्ष भी बता पाऊंगा। अब देखिए इसको मुझे गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 5 * 15 और इसको इनसे, है ना, तो 5 * 5 = 25 और 1 * 26। देखिए इसको भी आप मुझे कमेंट मत करिए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा संख्या लिया था, है ना। अब आपको क्या करना है, इस संख्या में आपका जो जन्म वर्ष होगा, है ना, उस जन्म वर्ष के केवल
केवल इकाई अंक को जोड़ना है। यहां पर मैं आपको उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अभी वर्तमान में 26 साल चल रहा है, तो निश्चित रूप से उनका जन्म जो है 1995 को हुआ होगा, ठीक है, तभी तो उसको आज 2021 में 26 साल चल रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका केवल और केवल इकाई अंक, देखिए इसका इकाई अंक क्या है, यहां पर है 5, आपको केवल यहां पर 5 को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने जोड़ दिया 5 और 5 10 हो गया, हासिल लग गया, तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। आपको केवल इस संख्या को मुझे क्या करना है, भेजना है, ठीक है। तो इस संख्या के आधार पर मैं आपका उम्र बता पाऊंगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको ये पूछा क्या, ये कहीं भी नहीं पूछा, यहां पर आपने गुना किया ऐसा वैसा किया, आपको केवल ये संख्या बताना है और इसी के आधार पर मैं बता पाऊंगा कि आपका जन्म कौन से सन में हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको मुझे कमेंट करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यदि इतना करने के बाद आप मुझे कमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको आपका जन्म वर्ष बता पाऊंगा। याद रखिए ये गणित का ट्रिक है, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, और इसको आप एक और उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा, तो आपको मुझे कमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी कि इसका आंसर आप कैसे बता पाते हो। इसको ध्यान से देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का उम्र जो है अभी 41 साल है, देखिए तो हमें 41 में क्या जोड़ना है, 42 जोड़ना है, देखिए इसको जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा, जैसे इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 83 आएगा, 83 आएगा, इसको मुझे गुना करना है 5 से, ठीक है। तो ये देखिए 5 3 15 हो जाएगा, हासिल 1 और 8 5 40, और ये कितना हो जाएगा, 41, ये हो गया। इसमें आपको क्या करना है, आपके जो जन्म वर्ष होगा उसका केवल और केवल इकाई को जोड़ना है। तो यदि आज उसको 41 साल चल रहा है तो उसका निश्चित रूप से जन्म कितना रहा होगा, 1980 को रहा होगा, ठीक है। तो 1980 के लास्ट डिजिट को बोल रहा हूं भाई, इसके लास्ट डिजिट में तो शून्य है, आपको इसमें शून्य को जोड़ देना है। देखिए क्या फर्क पड़ा, ये शून्य को जोड़ दो आप, ये आपका आ गया इतना। अब आपको इस संख्या को ही मुझे क्या करना है, कमेंट करना है, इसके आधार पर ही मैं क्या करूंगा, आपका जन्म वर्ष बता सकता हूं। याद रखिए दोस्तों, इसमें कोई मजाक नहीं हो रहा है, ये गणित का एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आपके जन्म वर्ष को 100% सही सही बताया जाएगा। जो बच्चों को अगर आप इस प्रकार के खेल खेलते हैं कभी अपने क्लास में, या किसी दोस्त को इस प्रकार की चीज बताते हैं, तो बहुत मजा आता है, क्योंकि आप उसका जन्म वर्ष है ना परफेक्ट बता पाते हो। तो इसको आप कैसे बता पाते हो, या फिर मैं इसका जन्म वर्ष कैसे बता पाता हूं, यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं भी आपका जन्म वर्ष आसानी से बता सकता हूं, लेकिन ये आप मुझे कमेंट नहीं करते हो तो मैं आपको आगे इसका ट्रिक बताने वाला हूं। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। अब मैं इसका आंसर कैसे बता पाऊंगा, तो इसके लिए आवश्यक है, जैसे देखिए अगर किसी व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया, ठीक है, जैसे ये कमेंट किया, उसने कमेंट किया 270, वो केवल मुझे 270 कमेंट करेगा, या फिर इतना चीज मुझे नहीं पता है, मुझे केवल क्या पता है, ये उसने किया 415, इतना कमेंट किया, तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि उसको अभी कितना वर्ष चल रहा है और उसका जन्म जो है कौन से सन में हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसका कोई बड़ा ट्रिक नहीं है, बस एक सिंपल सा ट्रिक है, जो भी संख्या आप मुझे कमेंट करोगे ना, और इसका प्रैक्टिस आप कर भी सकते हो, किसी भी व्यक्ति का उम्र और उसके अगले साल की उम्र को जोड़िए और जो प्रक्रिया बताया गया उसको करिए, फिर आपको क्या करना है, आप अगर मुझे कमेंट करोगे तो मैं क्या करूंगा, आपने मुझे 270 कमेंट किया तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसमें -5 करूंगा। याद रखिए हर बार आपको -5 ही करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। याद रखिए आपको इकाई के अंक को जोड़ना रहता है लास्ट में, आपके जो डेट ऑफ बर्थ वाला जो सन है उसका। तो जो संख्या आप मुझे भेजोगे तो मैं क्या करूंगा, केवल -5 करूंगा। तो यहां पर भी देखिए, यदि मुझे 115 संख्या आप भेजते हो तो मैं यहां पर केवल -5 करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। तो इसमें -5 करता हूं तो यहां पर एक हासिल जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 से 5 गया कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहां पर एक हासिल चला गया तो यहां पर हो गया 26। ये देखिए यहां पर कितना आ जाएगा, 5 और 5 शून्य हो गया, यहां पर बच गया 1 और यहां पर ये। तो याद रखिए इसमें मैं किसी व्यक्ति का जो जन्म वर्ष बताता हूं या फिर उसका उम्र बताता हूं तो इसमें इकाई की जो संख्या है उसको आपको नेग्लेक्ट करना है। ये देखिए ये इकाई की संख्या का आपको कोई मतलब नहीं है, बाकी जो संख्या बच गया तो इकाई की संख्या को छोड़ दो, आपको कितना बचा 26,
ये आपका उम्र है और इसमें इसको छोड़ देंगे कितना बचा 41, मतलब ये आपका उम्र को बताता है, ठीक है, इतना साल आपको चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि मैं आपका जो जन्म वर्ष है वो कैसे बता पाता हूं, तो इसका मतलब ये है कि जिस वर्ष मैं आपको प्रश्न कर रहा हूं उस वर्ष में, मतलब वर्तमान वर्ष में इसको यदि हम घटा दें, जैसे अभी कौन सा संचय रहा है 2021, तो 2021 में मुझे इसको घटाना है 41 को, ठीक है, तो 41 को जब मैं घटाऊंगा तो एक और एक कितना आ गया शून्य। अब देखिए ये तो घटेगा नहीं, तो यहां से खांसी लेगा तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 में 4 जाएगा कितना आएगा 8 आएगा, यहां पर कितना बच गया है 9, ये देखिए हासिल देगा ना, तो इसने हासिल दिया, यहां से एक हासिल आया तो ये 9 बचा, तो यहां पर आ जाएगा 9 और यहां पर कितना बचा 1, तो निश्चित रूप से इसका जो जन्म है 1980 को हुआ होगा तभी उसका जो जन्म है अभी कितना साल चल रहा है, उसका उम्र जो है 41 साल चल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का उम्र 26 आया है तो ये पूछेगा कि मेरा जन्म वर्ष कितना है, तो क्या करोगे आप वर्तमान में मतलब 2021 में आपको 26 को माइनस करना है, देखिए तो इसको जब मैं माइनस करूंगा तो यहां पर कितना आएगा, एक हासिल यहां पे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहां पर हो जाएगा 11, तो यहां पर आएगा 5। अब चूंकि ये भी छोटा हो गया तो ये इनसे हासिल लेगा, ये इनसे लेगा, तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर एक बचेगा, यहां पर 9 बचेगा, ये कितना हो जाएगा, एक तो हासिल खुद दिया तो 11 बचा है, तो 11 में 2 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा, यहां पर तो 9 बचा 6 और यहां पर देखिए, तो उसका जन्म वर्ष भी निकल पा रहा है और आपका उसका आप उसका उम्र भी बता पा रहे हो, तो ये बहुत ही आसान है। तो इसी प्रकार के दोस्तों मैं आपका जन्म तिथि भी 100% बता पाता हूं और उस वीडियो को आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अगर आप एक टीचर तो अपने क्लास में जरूर अप्लाई कीजिए ताकि आपके बच्चे भी गणित को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।